तो दोस्तों तैयार हो जाइए आप लोग भी बॉलीवुड में डीसी और मार्वल जैसी मूवीज़ का मजा लेने के लिए, क्योंकि आज इतने दिनों के बाद बॉलीवुड में कुछ ऐसी मूवी बनी है जिसको देखकर आपको गुजबम पा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र के बारे में। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों ने जरूरी ब्रह्मास्त्र का टीजर देख लिया होगा। दोस्तों इस 30 सेकेंड के टीजर ने ही हमें वो मजा दे दिया जो इससे पहले बॉलीवुड में आपको शायद ही कभी देखने को मिला होगा। और वो बात जो इस टीजर को सबसे खास बनाती है वो इस मूवी का VFX होने वाला है और इस मूवी का स्टार कास्ट होने वाली है। दोस्तों इस मूवी में बड़े से बड़े किरदार सामने आने वाले हैं, जिनमें अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, नागार्जुन और इस मूवी में मौनी राय भी हैं। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने चाहे मार्वल में, चाहे वो एवेंजर्स एंडगेम हो या फिर वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हो, वहाँ बॉलीवुड में आपको एक अलग लेवल की मूवी देखने को मिलती है। लेकिन और वहाँ की मूवियों का जो बजट और VFX होता है वो अलग लेवल का होता है, तो वहाँ पे के कंपेयर में इंडिया में वैसी फिल्में बहुत कम बनती हैं। और बॉलीवुड में भी धीरे धीरे इसका चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जहाँ पर लोग मूवी के प्लॉट से ज़्यादा उसमें VFX का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका सीधा एग्जाम्पल आप साउथ की RRR मूवी से देख सकते हैं, जहाँ पर VFX का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया गया है। और इसका एक एग्जाम्पल आप KGF Chapter 2 से देख सकते हैं, जहाँ पर इस मूवी पे सबसे ज़्यादा उसके प्लॉट पर ध्यान दिया गया था। तो हम ऐसा ही उम्मीद कर सकते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी से। तो दोस्तों इस मूवी में आपके मेन कैरेक्टरों की बात करें तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग को आलिया भट्ट, रणवीर कपूर और अमिताभ बच्चन, जो इस मूवी के मेन कास्ट होने वाले हैं। पहले तो अमिताभ बच्चन के लुक के बारे में रिवील नहीं किया गया था, लेकिन अब इनका नया रूप भी सामने आ रहा है। और दोस्तों इस मूवी के विलन की बात की जाए तो इस मूवी के विलन में आपको नागिन के विलन जो है वो मौनी राय सामने आने वाली हैं, जो कि इनका लुक आप लोग देख सकते हैं टीजर में कितना शानदार होने वाला है। दोस्तों ये तो बस एक टीजर था, इसका हमको पूरा ट्रेलर 15 जून को देखने को मिलेगा। और इस मूवी के टोटल 3 पार्ट बनने वाले हैं, जिसका पहला पार्ट आपको आज से 100 दिन के बाद देखने को मिलेगा। उसके 2 और पार्ट जो बाकी होंगे वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी तो हम लोग को जो इंतजार करना है वो इस मूवी के ट्रेलर का इंतजार करना है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग को भी इस मूवी के टीज़र को देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। और भाई हाँ, ये मेरा पहला मूवी रिव्यू है, तो अगर इसमें कोई आप लोग को गलती दिख रही है तो भाई माफ़ करिएगा, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ मैं भी इम्प्रूव करता जाऊँगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही न्यू फिल्मों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।